अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद की आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मेरा नाम अब्दुल करीम है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट। दोस्तों, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद, जिसका नाम है कोड विद करीम, वो दरअसल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर है कि जो भी आजकल नाव डेज जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ट्रेंड में है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसको कैसे सीखा जाए, या उसको मैं पूरा इंशाल्लाह कोर्स एक दूंगा। अगर आप लोगों का अच्छा फीडबैक रहा तो, अच्छे व्यूज़ अगर आए तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूंगा और मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको इंशाल्लाह एक एक करके हम जो मेन हैं, जिनका ज़्यादा ट्रेंड है, उसको हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ एक दो सवाल रखे हैं जिनके जवाब में उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है, वाई प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक टू कोड कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय यूजिंग रूल्स एंड सिंटैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि पाइथन, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, रूबी, ईटीसी। बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग जो हम सुनते आ रहे हैं कि भाई प्रोग्रामिंग करें, या ये एक प्रोग्रामर है जो प्रोग्रामिंग करता है, वो दरअसल क्या है? तो ये बहुत ही इसका आसान जवाब है कि प्रोग्रामिंग एक किस्म की टेक्निक है, जैसे सिंपल सी एक टेक्निक है जो क्या होता है, इसके थ्रू हम कोड करते हैं। टू कोड मतलब कोड लिखना किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जो वो कोड कंप्यूटर समझे और हमारा ऐसे ही काम कर दे जैसा हम चाहते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमारे पास बहुत से टूल्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। उसमें एक पाइथन है, दूसरा जावा है, सी शार्प, सी प्लस प्लस, ऐसे ना जाने बहुत सी ऐसी आपको देखने को मिलेंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम जो कवर करेंगे सबसे पहले वो है पाइथन लैंग्वेज। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, इसके सिंटैक्स बहुत ही इजी है और बहुत डायनामिक टाइप की लैंग्वेज है। इंशाल्लाह मैं इसी ही को पहले कवर करूँगा कि पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक। और उसके बाद दूसरा सवाल मैंने छोटा सा रखा है कि व्हाट आई एम गोइंग टू कम्प्लीट कोर्स इन फॉर व्हाट, मैं क्या और किसके लिए मतलब कोर्स करने जा रहा हूँ, जिस किसके लिए फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सा इसका जवाब है कि पहले मैं पाइथन तो कवर करूँगा इंशाल्लाह, और वो सबके लिए होगा, यानी कि जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और वो बंदे जो या तो आईटी डिपार्टमेंट में या कंप्यूटर साइंस में है, जिन्हें मसला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, वो नहीं सीख पा रहे या उनसे नई सी चीज़ें समझ में आ रही, तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ही ये मददगार साबित होगा। तो आज ये मैं सबसे पहले ये वीडियो इस चैनल पे मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने कंट्रो कर लूँ और कोर्स के बारे में बताता चलूँ कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में होगी, ओवरऑल के पाइथन क्या है और इसकी अहमियत क्या है, हम इसे क्यों पढ़ेंगे और मैं आपको ये कैसे सिखाऊँगा और क्यों सिखाऊँगा, इस सारा जो पूरा बेसिक से चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।